गुजरात की चुनावी लड़ाई आज अपना पहले पड़ाव को पार कर चुकी है। पहले चरण के लिए नामांकन खत्म हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में टिकट को लेकर बवाल थमने का ही नाम नहीं ले रहा। अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में हैं और पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इसी बीच ओवैसी ने भी ताल ठोक डाली है। सवाल सबके मन में यही है कि क्या 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी फिर से जीत को दोहरा पाएगी या इस बार जनता उलटफेर के मूड में है। सूरत मजूरा से गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने नामांकन भरा तो जामनगर उत्तर से रविंद्र जाडेजा की पत्नी रिबाबा अपना पर्चा भराए। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और सब पार्टियों के साथ नहीं है, ये चुनाव गुजरात की जनता का, गुजरात की जनता को नुकसान पहुंचाने वालों के सामने का है। ये चुनाव में भव्य विजयी गुजरात की जनता की होगी और गुजरात की जनता की जब जब विजय होती है तभी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की विजय होती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई कंपटीशन नहीं होता है, ओनली वन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से आप देख रही हैं पास्ट कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का जो रुख रहा है, जनता का जो रुख रहा है भारतीय जनता पार्टी टूवर्ड्स, वो मैसिव है। बीजेपी के उम्मीदवार पर्चा भर रहे हैं लेकिन टिकटों को लेकर नाराजगी भी है। गांधीनगर में पार्टी कार्यालय कमलम पर कार्यकर्ताओं ने उस वक्त प्रदर्शन किया जब अमित शाह कमलम में मौजूद थे। भारी भीड़ को देखते हुए कमलम के दरवाजे बंद किए गए। वहीं कांग्रेस में भी टिकटों के लिए अब भी बवाल चल रहा है। अहमदाबाद के कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी के पोस्टर जलाए। उधर दिल्ली में कांग्रेस मीटिंग कर रही है और पार्टी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पूरी ताकत झोंक दी है। केजरीवाल फिर गुजरात दौरे पर हैं और जीत के दावे कर रहे हैं। गुजरात के चुनावी दांव में असदुद्दीन ओवैसी ने भी ताल ठोकी है। घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं लेकिन जनता मोदी से हटने के लिए तैयार नहीं है। आदिवासी और ओबीसी सेक्शन के भाइयों और बहनों को बताना चाहूंगा कि इस कानून के जरिए बीजेपी ने, भाजपा ने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर कानून बनाया वो ईडब्ल्यूएस का कानून नहीं है बल्कि वो अपर कास्ट का कानून बनाया गया। ओवैसी कोई चुनौती नहीं है गुजरात के अंदर, ओवैसी का कोई मुकाबला यहाँ पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कुछ सीटों पे कांग्रेस अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त गुजरात। ओवैसी से पूछिए तो कहेंगे कि उनकी पार्टी भी मुकाबले में है। केजरीवाल से पूछिए तो कहेंगे कांग्रेस और ओवैसी मुकाबले में ही नहीं है। लेकिन बीजेपी से पूछिए तो कहेंगे ना ओवैसी मुकाबले में है ना केजरीवाल। ये लोग चुनावी टूरिज्म पे गुजरात पे है। इस प्रकार का प्रयास 2012 में भी किया, 17 में भी किया। सितंबर महीने से ये लोग गुजरात में इसी प्रकार से अलग अलग जगह पे प्रवास करते हैं, यही घिसा पिटा मुद्दा हर साल लाते हैं। लेकिन ये गुजरात की जनता है, बहुत समझदार जनता है। दिसंबर के महीना में उनके बिस्तर बांध के वापस उनके गांव भेजने की जिम्मेदारी गुजरात की जनता ने ले ली है। गुजरात में अपने अपने दावे हैं, वक्त बीतेगा तो उन दावों की हकीकत भी धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन एक बात तय है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प है। लगातार 27 सालों से सत्ता में काबिज बीजेपी के सामने सत्ता में वापसी की बड़ी चुनौती है। मिलन शर्मा, गोपी घांगर और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।